बड़ा खुशी का दिन है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक 84 विधानसभा और पूरे डूंगरपुर जिले के लिए बड़ी घोषणा की है। ये लंबे समय से सही बात मांग सालों थी की। कि जो डूंगरपुर जिले में जो पानी बह के जा रहा है गुजरात में, कण्हणा जो बांध बना हुआ है, तो सभी कट्टर कार्यकर्ताओं ने मिलके, पूरे आदिवासी समाज ने मिलके एक जल यात्रा निकाली और इसमें इन सभी की जो मेहनत थी वो मेहनत रंग लाई और आज ये बड़ी घोषणा हुई है। इसके लिए क्षेत्र में खुशी का माहौल है और हमारे दोनों विधायक की बदौलत, पूरे आदिवासी समाज की बदौलत ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार को भी और माननीय सीएम साहब को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आदिवासी इलाकों में आज तक जितने भी आदिवासी नेता हुए, चाहे मंत्री थे चाहे कोई भी थे, लेकिन आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासी जिसकी हालत सुधरे उसके लिए आज तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आदिवासी की हालत सुधरे। और वो नहीं चाहते थे कि आदिवासी मजबूत बने और वो बोलता हो, पढ़ा लिखा हो, मजबूत हो, सरकारी नौकरी कर सके। इस वजह से कोई ऐसी योजना के बारे में आज तक उन्होंने पहल नहीं की, लेकिन आज भील प्रदेश पेयजल योजना, जो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा एवं विभिन्न संगठनों द्वारा जो यात्रा जल यात्रा निकाली गई, जो दाद सलाकड़ी से गेजी घाटा तक, और हमने जो शिलारोपण किया वहाँ निशान ध्वजा के साथ में, और पूरी करीबन 25-30 किलोमीटर की जल यात्रा निकाली। उस वक्त मुख्यमंत्री का दौरा भी था तो उनको भी एहसास हो गया कि यहाँ की जो समस्या है उस समस्या को उन तक भी पहुँचा, और हमारे आदिवासी परिवार के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा जो आंदोलन किया और ये जो सफलता पेयजल परियोजना भील प्रदेश में स्वीकृत की है, उसके लिए राजस्थान सरकार, हमारे सीएम साहब को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और साथ में ही हमारे जो इस आंदोलन को इस चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए, सफलतम बनाने के लिए हमारे भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश कर्मचारी गणसंघ एवं विभिन्न संगठनों द्वारा उसमें सहयोग के लिए उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।